गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय गणित एक एक नियम के बारे में आज आपको बताऊंगा। इसकी एक्सरसाइज है 5.3। ये हमें किससे करना है? एक एक नियम से करना है। अब एक एक नियम होता क्या है? जैसे कुछ वस्तुओं का मूल्य दिया होता है, अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया होता है, उसे हम भाग विधि से करते हैं और फिर जितनी वस्तुएं दी होती हैं उनको हम गुणा के माध्यम से उन्हें सरल करते हैं। इस नियम को हम क्या कहते हैं? एक एक नियम कहते हैं। ये क्या कहलाता है? एक एक नियम। जैसे मान लो एक वस्तु का मूल्य, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, उसमें पूछा गया है कि 5 पेनों का मूल्य क्या होगा, तो ये कैसा नियम हो गया? एक एक नियम हो गया। तो इसी नियम से जो है ये जो प्रश्नमाला है 5.3 ये हमें निकालनी है। अब इसका पहला सवाल है, 20 कलमों की कीमत 180 रुपये है, तो ऐसे ही 9 कलमों की कीमत ज्ञात कीजिए। हमारा सवाल है पहला, ये क्या लगाते हैं? चूंकि। इसको हम चूंकि से निकालते हैं। चूंकि 2 पॉइंट ऊपर लगाते हैं और 1 नीचे, तो क्या हुआ? चूंकि। इसको चूंकि बोलते हैं। चूंकि 20 कलमों का मूल्य 180 रुपये। अब हमें कितने कलमों का निकालना है? 9 कलमों का मूल्य निकालना है। तो 20 कलम का हमें ज्ञात है कितना रुपये? 180 रुपये। तो जब हम 9 कलमों का निकालेंगे, उससे पहले हमें किसका निकालना? 1 कलम का निकालना पड़ेगा। इसलिए का निशान कौन सा होता है? 2 पॉइंट नीचे होते हैं, 1 ऊपर होता है, उसे इसलिए बोलते हैं। और 2 पॉइंट ऊपर 1 नीचे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चूंकि। तो इसलिए एक कलम का मूल्य 180 और बटे 20, मतलब इसमें क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। बटे का मतलब होता है भाग। अब हमें कितने कलम का निकालना? 9 कलम का निकालना, तो आप 9 का निकाल देंगे। फिर ये आएगा इसलिए 9 कलमों का मूल्य 180। अभी हमारा दे रखा है 180 बटे 20 और गुणा में क्या आ जाएगा? ये 9 ही आ गया गुणा में। आप काट दो इसको, देखो 0 से 0 कट गया। अब 2 से हम क्या काटेंगे? 18 को, 2 9 18। अब हमारे पास कितना बचा? नीचे कोई संख्या नहीं बची, तो ऊपर कितना? 9 9 गुणा 9। 9 की हमने 9 से गुणा कर दी, 9 नाम कितने होते हैं? 81। तो 81 रुपये, ये क्या आया? 9 कलमों का मूल्य कितने रुपये होगा? 81 रुपये होगा। तो इस तरह हम इन सवालों को निकाल लेते हैं। ये कौन सा नियम कहलाता है? एक एक नियम कहलाता है। हमने निकाल दिया चूंकि 20 कलमों का मूल्य 180 रुपये, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 का निकालना पड़ेगा। 1 कलम का मूल्य 180 बटे 20। फिर हम क्या निकालेंगे? 9 का जितना दे रखा है, तो 9 कलमों का मूल्य 180 बटे 20 गुणा 9। 0 से 0 काट दिया, 2 से हमने 18 कितनी बार काटा? 9 बार। अब 9 की और 9 की गुणा कर दी, तो 9 नम कितने होते? 81। तो कितना आया? 81 रुपये उत्तर आ गया इसका। अब ऐसे ही दूसरा सवाल देखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में है
यदि अमर 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब इसमें देखो क्या पूछा, समय पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो जो समय वाला हमारा पॉइंट है उसको मैं बाद में लेकर आना है। लिखा यदि अमर 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समय हमें बाद में लाना है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 24 किलोमीटर की दूरी अमर तय करता है बराबर कितने घंटे में, 4 घंटे। अब हमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे कि 1 किलोमीटर वो कितने समय में तय करेगा, तो फिर वही निकालेंगे, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी अमर तय करेगा बराबर। अब ये 4 है हमारा, तो 4 और बटे में कितना आ जाएगा, 24, ये आ गया 4/24 क्या है, घंटे। अब किताब में जितना दे रखा है वो कितने किलोमीटर पूछा है, 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 120 किलोमीटर की दूरी अमर तय करेगा बराबर, इसी को लिखेंगे पहले 4/24 और गुणा में कितना आ जाएगा, 120। इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 4/24 गुणा 120। आप देखो काटो इसको, ये जो संख्या है कहाँ मानी जाती है, ऊपर में मानी जाती है, तो हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को काट सकते हैं, मतलब हर से हम अंश को काट सकते हैं, अंश को हर से, लेकिन आपस में अंश अंश नहीं करते और ना ही हर हर करते हैं, तो 4 से हम 120 को नहीं काट सकते क्योंकि ये संख्या कहाँ मानी जा रही है, ऊपर अंश में, तो हम जो है 4 से हम किसको काटेंगे, 24 को, जब ऊपर से नीचे वाली संख्या काटी जाती है तो ऊपर क्या आता, 1, 4 × 4 और 4 × 24। अब 6 से काट दो 120 को, 6 × 12 और 0 का 0 आ गया, अब कितना बचा हमारे पास, ऊपर हमारे पास क्या है, 1 × 20, 20 की 1 से गुणा कर दो कितना आएगा, 20, तो 20 क्या आया, ये घंटे। कितना आया, 20 घंटे आया, तो वो कितने समय में तय करेगा इसको, 20 घंटे में, ठीक है, 4/24 गुणा 120, 4 × 24 कट गया 6 बार, 6 से हमने 120 को काट दिया, 6 × 12 और 0 का 0, 20 की 1 से गुणा कर दी, 20 घंटे उत्तर आ गया इसको। अब फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है 4 पैकेटों में 20 किलोग्राम मिर्च भरी गई तो 22 पैकेटों में कितनी मिर्च भरी गई, तो इसमें क्या पूछा, मिर्च भरी गई, तो सबसे पहले लिखेंगे हम चूंकि 4 पैकेटों में मिर्च
भरी गई बराबर 2 किलोग्राम अब हमें सबसे पहले किसका निकालेंगे एक का इसलिए एक पैकेट में एक पैकेट में मिर्च भरी गई बराबर 2 और बटे में कितना आ जाएगा 4। अब हमें निकालना है 22 पैकेट का इसलिए 22 पैकेटों में मिर्च भरी गई बराबर 2/4 और गुणा में क्या आएगा 22। अब फिर काट दो इसको 2 से 4 को 2 × 2 = 2 × 4 2 से 22 कट गया 2 × 2 = 2 बराबर कितना आ गया 1 × 11 तो आ गया 11 11 क्या आया किलोग्राम 22 पैकेट में कितनी मिर्च भरी जाएगी 11 किलोग्राम। अब बाकी ये ऐसी सवाल है एक सवाल मैं और बता रहा हूँ घंटों वाला क्वेश्चन नंबर है 6। ये सारे सवाल पूरी एक्सरसाइज के इसी तरह के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और देखो इसको इसमें एक स्कूटर 3 घंटे में 135 किलोमीटर जाता है तो वह 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी तय करेगा ये बात पूछी है तो हमने दूरी वाली बात को बाद में लिखना है। लिखेंगे क्योंकि 3 घंटे में 3 घंटे में स्कूटर 2 दूरी तय करता है बराबर 135 किलोमीटर। इसलिए 1 घंटे का हमने निकाल लिया इसमें हम इसमें डैश भी लगा सकते हैं ऐसे इसका मतलब है जो बात ऊपर है वही नीचे है बराबर 135 और बटे में कितना आया 3। अब अगला निकाल लिया हमने कितना पूछा इसमें 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा तो 7 इंजन का मतलब है जो बात ऊपर लिखी है वही यहाँ पर आएगी तो बराबर 135/3 और गुणा 7। आप देखो 3 से इसे काट दो 135 को कट जाएगा कितनी बार 3 × 4 = 12 एक बचा कितने हो गए 15 3 × 5 = 15 ये 45 बार कट गया तो 45 × 7 इनकी गुणा कर दी 7 × 5 = 35 हाथ से लगे 3 और 7 × 28 और 3 = 31 कितना आया 315 किलोमीटर। स्कूटर 7 घंटे में कितनी दूरी करेगा 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये एक्सरसाइज है इसके जो सवाल हैं सब इसी तरह निकलेंगे सब बच्चे जो है इन्हीं सवालों को देख के और आगे के सवाल भी इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। धन्यवाद।